कैपिटल स्मार्ट सिटी में बनने वाला पहला कमर्शियल कैसा है और यहाँ पे जो कौन सी शॉप्स हैं जो अब तक बन चुकी हैं, इसके साथ साथ ये लोकेशन कहाँ पे है जो पहला हाई राइज कमर्शियल बना है, मैं उसके वाले से बताऊँगा स्टूडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे सामने जो आपको विलाज नज़र आ रही हैं सारे सेक्टर बी के कनाल के जॉर्जियन स्टाइल विलाज हैं, और ये सेक्टर सी की मस्जिद है, सेक्टर मॉस्क, और ये सामने कमर्शियल जो आपको नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली सारे लेक व्यू कमर्शियल हैं जो कैपिटल स्मार्ट सिटी में सारे इस वक्त कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं। इसके साथ मैं अभी आपको वॉक करके अंदर कमर्शियल के अंदर से दिखाता हूँ। ये 10 कनाल की बिल्डिंग है और 10 कनाल की बिल्डिंग अंदर से कैसी कंस्ट्रक्ट हुई है वो भी दिखा दूंगा, प्लस उसके साथ साथ जो बाकी इसमें चीज़ें बनी हैं, शॉप्स बनी हैं, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे इस वक्त जो है कैपिटल स्मार्ट का अपना सिक्योरिटी ऑफिस भी है और यहाँ पे बाकी बेसमेंट में मार्केटिंग या सेल्स का जो हमारा ऑफिस है, फ्यूचर में जो ऑफिसेज होंगे वो भी यहीं पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो यह बिल्डिंग के अंदर आते हैं, ये ट्रिपल बेसमेंट बिल्डिंग है पार्किंग के लिए, ये लॉबी है एंट्रेंस की, ये स्टेयर से आप बेसमेंट में भी जा सकते हैं और ऊपर भी आ सकते हैं। ये बेसमेंट के लिए स्टेयर्स हैं और ये ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स हैं जिनकी इंतहा शानदार क्वालिटी है। इस तरह बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी आप देख रहे हैं बुराक टेलर्स के नाम से शॉप भी खुल गई है। अच्छा जी, ये एटीएम भी इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे यूबीएल की तरफ से, नज़र आ रहा होगा आपको, लोग कैश निकलवा रहे हैं। अच्छा जी, इस तरफ आते हैं तो अल हेयर ड्रेसर्स, अली हेयर ड्रेसर्स, फिर लजबाल छोटा सा रेस्टोरेंट, फिर आगे सुल्तान फ्रूट शॉप, फरुकिया चिकन शॉप, तसीफ पोइटा कैफे, शकील लाहौरी चने अल मशहूर। अच्छा जी, ये लॉबी देखें तो ये सारी शॉप्स यहाँ पे ऑपरेशनल हैं। इस तरफ चलते हैं, ये सारे आगे ऑफिस की स्पेस है, वो भी दिखा देता हूँ। ये ट्रिपल बेसमेंट के साथ, फिर आगे लोअर ग्राउंड है, ग्राउंड है, प्लस 10 की बिल्डिंग है 10 कनाल की, एक और रेस्टोरेंट है यहाँ पे बुद्धा खान रेस्टोरेंट। अभी छोटे रेस्टोरेंट्स ऑपरेशनल हैं क्योंकि जाहिर सी बात है कि विद द पैसिव टाइम जैसे जैसे यहाँ पे लोग आते रहेंगे रेस्टोरेंट्स या नंबर ऑफ अमेनिटीज़ यहाँ पे बढ़ती जाएंगी। ये जो बेसमेंट नज़र आ रही है यहाँ पे आगे जाके मार्केटिंग ऑफिस होगा, हमारे ऑफिस भी यहीं पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब चलते मैं आपको अंदर से दूसरी चीज़ें दिखाता हूँ, इसकी बैक साइड से विजिट कराता हूँ कि ओवरऑल जो है ये कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे। और ये सब कुछ कैपिटल स्मार्ट ने अपने पैसों से बनाया है, यानी कि किसी थर्ड पार्टी का कंस्ट्रक्टेड नहीं है। इस तरह चलते हैं, ये जो आपको गहमा गहमी नज़र आ रही है ये सब लोग वो हैं जो साइट पे काम करते हैं। ये एक और रेस्टोरेंट है तो सीफ कैश एंड कैरी, साइट पे जितने लोग हैं मोस्टली जानने वाले ही हैं क्योंकि मैं पिछले 5-6 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ, तो सारे लोग जो हैं स्पेशली साइट सर्वेयर, साइट सुपरवाइजर, साइट इंजीनियर सारे जो हैं जानते हैं। और देख लेते अभी यहाँ पे गुजर रहा हूँ मैं, ये सेक्टर सी की मस्जिद के बिल्कुल सामने है। और मज़े की बात, इस मस्जिद से इस जगह की एक्सेस सिर्फ इस जगह से है, मैं आपको पॉइंट दिखा देता हूँ। वैसे हर तरफ से कॉर्डन ऑफ है, प्रॉपरली जो है इसकी सेग्रीगेशन की हुई है इस फेंसिंग के साथ। ये जो आपको फेंसिंग नज़र आ रही है ये फेंसिंग यहाँ से इसको डिवाइड करती है कमर्शियल को रेजिडेंशियल एरिया से। सी ब्लॉक में मोस्टली रेजिडेंशियल एरिया है, कमर्शियल एरिया सिर्फ जो है वो फ्रंट रोड पे, R1 रोड पे, बैक साइड पे ये एक दूसरी शॉप है जो कि मेरे ख्याल में जो स्टेशनरी की शॉप है वो बनती है, एक और टेलर शॉप, ना करते तकरीबन 30-31 दुकानें आ गई यहाँ पे। ये मैं ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहा हूँ, ऊपर फ्लोर पर जाहिर सी बात इससे भी ज़्यादा होंगी, ऑफिसेज भी होंगे। ये सारी डबल हाइटेड लॉबी है, अभी ये काम शाम हो रहा है तो आपको उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं होगा, बट इन एनी केस फ्यूचर में जाके यहाँ पे अगर आप मूव करते हैं तो आपको बेसिक नेसेसिटीज़ के बारे से तमाम चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होंगी। अब मैं आपको फर्स्ट फ्लोर का विजिट करवाता हूँ कि फर्स्ट फ्लोर के विजिट में क्या हो रहा है, कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। लेफ्ट से भी यहाँ पे ऑपरेशनल नहीं हुई क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर्स पे जो है अभी तक उस तरह से शॉप्स ऑपरेशनल नहीं हुई, तो जब वो भी होंगी तो आपको वो भी मैं विजिट करवा दूंगा इंशाल्लाह। फर्स्ट फ्लोर पे सारी ऑफिस स्पेसेस हैं, ये आप देख लें हॉल्स, इस तरफ भी यहाँ पे कोई ब्रांड की शॉप खुलने वाली है लेकिन अभी ऑपरेशनल नहीं हुई।
आगे चलते हैं जी। 10 कनाल की ग्राउंड प्लस 10 की बिल्डिंग, 3 बेसमेंट और लो ग्राउंड और ग्राउंड, 16 फ्लोर बनते हैं। 15 ग्राउंड प्लस 10 और बेसमेंट 11, 12, 15 फ्लोर जी। यस, 15 फ्लोर की 10 कनाल की बिल्डिंग, तो 150 कनाल कंस्ट्रक्टेड एरिया अपने पैसों का, विदाउट सेलिंग अ सिंगल यूनिट इन द मार्केट। ये मोबाइल शॉप भी खुल गई है यहाँ पे, ज़बरदस्त। लाइक ये मोबाइल शॉप है यहाँ पे, इस तरफ आपको रश नज़र आ रहा होगा, लेबर वगैरह के लोग यहाँ पे आते हैं। ये कैपिटल स्मार्ट की एक्चुअल साइट की ऑन ग्राउंड वीडियो है। अब मैं आपको स्टेज लॉबी से दूसरी तरफ लेके जाता हूँ। ये आपकी जी लॉबी आ गई, अगेन डबल हाइटेड लॉबी। ये एलिवेशन का पार्ट है, ये फ्रंट से व्यू बनता है आपका पार्क का। ये 280 कनाल का पार्क है, वो पीछे आपको रिहैब सेंटर नजर आ रहा है जो बिल्डिंग है। ये आपके कनाल के विलाज आते हैं इस तरफ, आगे तो सच पता है नीचे गिरने वाली बात ही है। अच्छा जी, ये ऊपर अपार्टमेंट्स के लिए रास्ता जाता है, बट उसकी ज़रूरत नहीं है, जब सेल में आएंगे इंशाल्लाह मैं दिखा दूंगा। अदरवाइज मैं सिर्फ विजिट के तौर पर देखूँ तो आई थिंक ऊपर भी काम चल रहा है। सिर्फ 2 फ्लोर ऑपरेशनल हुए हैं, ग्राउंड और फर्स्ट, और बेसमेंट ऑपरेशनल है फुली। बेसमेंट में ट्राई करता हूँ, वो किसी और वीडियो में दिखा दूंगा, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ पे इस तरह स्टैंड करती है। अब चलते हैं जी नीचे की तरफ स्टेयर से। ये दोबारा हम ग्राउंड फ्लोर पे आ गए हैं, और ग्राउंड फ्लोर पे जो मैंने बताया था कि शॉप जहाँ ऑपरेशनल है मैंने बता दिया था। अब मैं आपको बेसमेंट के दिखाता हूँ कि बेसमेंट में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आ चुकी हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपको आने वाले दिनों में नज़र आएंगी। सिक्योरिटी ऑफिसेज हैं यहाँ पे बेसमेंट में, उसके साथ साथ ये देखें, ये बेसमेंट में हुआ और बेसमेंट से नीचे 3 बेसमेंट्स और हैं फॉर पार्किंग पर्पस। ये जी ऑफिस एरिया है, अभी तक ऑपरेशन नहीं है, बट आपके सामने है कि रेनोवेशन का काम हो गया है। सिक्योरिटी वाले चचा बता रहे हैं जी मार्केटिंग वाला ऑफिस है, तो जब ये स्टार्ट हुआ था जब मजीब भाई यहाँ पे फर्स्ट टाइम लेके आए थे तभी से मैं पता था कि मार्केटिंग ऑफिस है। इन एनी केस ये वेंटिलेशन का काम हो गया, ये सारा काम यहाँ पे ऑलरेडी मुकम्मल हो चुका है, और ये इस तरफ जो बाकी एरिया है ऑपरेशनलाइज है इस तरफ ऑफिस का, यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिस बनता है। ये उनके प्रॉपर रूम्स वगैरह, लुक एट दिस, वाओ। बंदा मान सकता है यहाँ पे एक भी रहायशी नहीं रहता अभी, यहाँ दो तीन रहायशी मूव हुए हैं, उसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। और ये सारा नीचे मार्केटिंग ऑफिस। अब चलते हैं जी डिज़ाइन ऑफिस की तरफ ऊपर। ये सारी बिल्डिंग जो है ये कैपिटल स्मार्ट की अपनी कंस्ट्रक्ट की हुई है, ये किसी थर्ड पार्टी की JV पे या किसी और चीज़ पे कंस्ट्रक्ट नहीं की हुई। जो मैंने अपार्टमेंट बिल्डिंग दिखाई थी वो भी इटसेल्फ अपने पैसों से कंस्ट्रक्टेड है। वैसे बड़े गट्स की बात है इस तरह 3-4 अरब रुपया कंस्ट्रक्शन पे लगाना, और वो भी इतने ऐसे प्रोजेक्ट में जिसका आपने सिंगल यूनिट भी सेल ना किया हो। तो आई थिंक इट्स वर्थ इन्वेस्टिंग इन कैपिटल स्मार्ट सिटी, बिकॉज ब्रांड वैल्यू आपको इससे मिलती है। ये मैं बेसमेंट में, और बेसमेंट से नीचे ये जो सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं ये एक और बेसमेंट, और उसके नीचे एक और बेसमेंट आती है। ये डबल बेसमेंट नीचे पार्किंग के लिए, और ये ट्रिपल बेसमेंट, 3 बेसमेंट्स प्लस ग्राउंड फ्लोर, ये बनता है आपका कैपिटल स्मार्टी में। जो लेक व्यू कमर्शियल है 10 कनाल की बिल्डिंग है, जो आज की डेट में साइट पे मौजूद है, जो पोजेशन द्वारा डेवलप्ड है। सो वेल व्यूअर्स, दिस वाज इट फ्रॉम डे। अगर आप वो कैपिटल स्मार्टी, लाहौर स्मार्टी या किसी भी हवाले से इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, देख नंबर पर रब्ता करें। इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें, www.makansolutions.com। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान जी माँ को दीजिए इजाज़त अगली वीडियो देख के लिए, खुदा हाफिज़।